दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख कोल कंफर्ट और द हिंदू में छपे लेख माइनिंग डीप ऑन कैबिनेट ईजिंग माइनिंग लॉज के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है। प्रिय व्यूअर्स, 31 मई को होने वाली आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 नजदीक है। इसे मद्देनजर रखते हुए टीम दृष्टि जल्द ही कुछ विशेष टीटीपी प्रोग्राम्स लॉन्च करने जा रही है। इसके तहत परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण विषयों को कवर करने का प्रयास किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि यह पहल परीक्षा के लिहाज से काफी अहम साबित होगी। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। खनिज कानून संशोधन अध्यादेश 2020। हालिया दिनों में कोयला खनन क्षेत्र कई कारणों से खासा चर्चा में है। इस चर्चा की कई वजहें हैं। दिसंबर 2019 में कोयला मंत्रालय ने देश में कोयला खनन को पर्यावरण के दृष्टिकोण से सतत बनाने के उद्देश्य से सतत विकास सेल स्थापित करने का निर्णय लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को खनन लाइसेंस धारकों द्वारा खनन क्षेत्रों की बंजर भूमि को पुनः हरितकरण किए जाने संबंधी नए प्रावधान लाने का आदेश दिया है। उधर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खनिज कानून संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दिए जाने के बाद 10 जनवरी 2020 को यह जारी कर दिया गया। यह अध्यादेश सभी क्षेत्रों की कंपनियों के लिए कोयला खनन को खोलने और कोयला खदानों की नीलामी के नियम को आसान करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो स्टील और पावर सेक्टर के अलावा अब दूसरी कंपनियां भी कोयला खनन के लिए बोली लगा सकती हैं। गौरतलब है कि अब तक इस क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड का एकाधिकार था जो अब समाप्त हो जाएगा। दूसरी तरफ कोयला उत्पादन के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल होने के बाद भी भारत साल दर साल कोयला का आयात कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि इस अध्यादेश के क्या क्या प्रावधान है और खनन से संबंधित कानूनों में संशोधन से क्या लाभ होंगे। एक बड़ा सवाल कोल इंडिया पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी है कि नई कंपनियों के बाजार में आ जाने के बाद इसे नुकसान तो नहीं होगा। देखना होगा कि सरकार के इस कदम से देश की अर्थव्यवस्था को कितना लाभ होगा। फिर कोयला खनन को पर्यावरण के दृष्टिकोण से सतत बनाना भी एक चुनौती है जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी चिंता जाहिर की है। आइए विचार करते हैं। आइए सबसे पहले अध्यादेश के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र डालते हैं। गौरतलब है कि इस अध्यादेश के जरिए खान और खनिज विकास एवं विनियम अधिनियम 1957 तथा कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 में संशोधन किया जाएगा। खान और खनिज विकास एवं विनियम अधिनियम 1957 भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है और खनन कार्यों के लिए खनन लीज को प्राप्त करने और जारी करने संबंधी नियमों का निर्धारण करता है। कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 का मकसद कोयला खनन कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित करना और कोयला संसाधनों के अधिकतम दोहन को बढ़ावा देना है। इसके लिए प्रतिस्पर्धी बोली यानी बिडिंग के आधार पर कोयला खानों के आवंटन में सरकार को मजबूत बनाना है। अध्यादेश में शामिल संशोधन के अनुसार खनन क्षेत्र को भारत में पंजीकृत सभी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। वर्तमान में नीलामी के माध्यम से कोयला खानों की अनुसूची 2 और अनुसूची 3 में आने वाली कंपनियां केवल बिजली उत्पादन और इस्पात उत्पादन के लिए उत्पादित कोयले का उपयोग कर सकती हैं। यह अध्यादेश ऐसे प्रतिबंध को हटा देगा। कंपनियों को कोयला खनन के संचालन के लिए स्वयं की खपत बिक्री या किसी अन्य उद्देश्य से ले जाने की अनुमति होगी। वे अपने सहायक संयंत्रों में भी ऐसे कोयले का उपयोग कर सकती हैं। कोयला खनन क्षेत्र को सभी कंपनियों के लिए खोलने से पता चलता है कि सरकार इस क्षेत्र का विकेंद्रीकरण करना चाहती है। अध्यादेश के माध्यम से इस शर्त को भी समाप्त कर दिया गया है कि बोली लगाने वाली कंपनी को भारत में खनन क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए। सरकार के इस कदम से साफ है कि अब कोयला खनन के लिए बोली लगाने वालों का दायरा काफी व्यापक होने वाला है। साथ ही अध्यादेश में कोयला और लिग्नाइट बॉक्स के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस से खनन लीज प्रदान करने संबंधी प्रावधान भी किए गए हैं। इससे पहले कोयला या लिग्नाइट के संबंध में पूर्वेक्षण
लाइसेंस सह खनन लीज जारी करने संबंधी कोई प्रावधान नहीं था। अध्यादेश स्पष्ट करता है कि कोयला और लिग्नाइट बॉक्स की नीलामी में भाग लेने के लिए कंपनियों को भारत में कोयला खनन के किसी पूर्व अनुभव की जरूरत नहीं है। वर्ष 2018 में सरकार ने निजी संस्थाओं को वाणिज्यिक खनन की अनुमति दी थी, लेकिन गैर कोयला कंपनियां नीलामी में भाग नहीं ले सकती थी। बीते वर्ष अगस्त माह में सरकार ने कोयला खनन में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की घोषणा भी की थी। फिर सवाल है कि संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। गौरतलब है कि चीन दुनिया का पहला जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरा बड़ा कोयला उत्पादक देश है। भारत तीसरा बड़ा उत्पादक और आयातक देश है। बड़ी मात्रा में आयात की वजह है कि भारत में कोयले की खपत बहुत ज्यादा है। दुनिया के 75% कोयला उपभोग करने वाले 5 देशों में भारत भी शामिल है। देश की लगभग 70% बिजली उत्पादन कोयले से की जाती है। आंकड़ों के मुताबिक भारत ने बीते वर्ष कोयले के आयात पर लगभग 1,71,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिससे 235 मिलियन टन कोयले का आयात किया जा सका था। इस आयातित कोयले में से लगभग 100 मिलियन टन कोयले को भारत में मौजूद कोयले से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 135 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति भारत के ही घरेलू उत्पादन से की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इसके कारण सरकार को राजकोषीय स्तर पर नुकसान का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर मौजूदा नियमों के अनुसार कोयला खनन में कंपनियों का प्रवेश काफी सीमित है, जिसके कारण खनन क्षेत्र में एकाधिकार वाली स्थिति बनी हुई है। नीलामी से सरकार को प्राप्त होने वाली राशि बेहद सीमित है। यही कारण है कि कोयला बाजार में एकाधिकार वाली स्थिति को खत्म करने की कवायद की गई है, ताकि मार्केट में प्रतिस्पर्धा आगमन हो और इसके आयात पर निर्भरता को खत्म किया जा सके। हर प्रकार की कंपनियों को नीलामी में अवसर मिलेगा, जिससे सरकार के राजस्व में तो इजाफा होगा ही, साथ ही सस्ती कीमत पर ऊर्जा जरूरतें भी पूरी हो सकेंगी। हालांकि इससे कोल इंडिया के हित पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका है। फिर सवाल है कि क्या कोल इंडिया लिमिटेड पर कोई प्रभाव पड़ेगा। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी और महारत्न कोल इंडिया लिमिटेड का अब तक कोयला क्षेत्र पर एकाधिकार रहा है, लेकिन अब कोयला खनन क्षेत्र को सभी प्रकार की कंपनियों के लिए खोलने से इस क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। हालांकि कोयला मंत्रालय का कहना है कि कोल इंडिया लिमिटेड के हितों का ध्यान रखा जाएगा और उसे पर्याप्त संख्या में ब्लॉक आवंटित किए जाएंगे। गौरतलब है कि कोल इंडिया लिमिटेड में बीते कुछ सालों में काफी अधिक सार्वजनिक संसाधनों का निवेश किया गया है। कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के कुछ समय बाद ही 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना एक होल्डिंग कंपनी के रूप में हुई थी। यह भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 84% उत्पादन करता है। यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि इस कदम से हाल ही में दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों की तरह कोल इंडिया लिमिटेड के अस्तित्व पर कोई खतरा न पैदा हो। मौजूदा समय में इस कंपनी में लगभग 3 लाख कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और यह एक सूचीबद्ध कंपनी है। सवाल है कि सरकार के इस कदम से क्या फायदे मिलने की उम्मीद है। भारत सरकार ने जिस तरह से हर प्रकार की कंपनी के लिए कोयला खदान खोल दिया है, उससे इस कदम को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस कदम से एक ऊर्जा दक्ष बाजार को स्थापित करने में मदद मिलेगी और व्यापार सुगमता में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार का यह कदम कोयला खनन क्षेत्र को पूरी तरह से खोल देगा और किसी को भी वित्त और विशेषज्ञता के साथ कोयला खदानों के लिए बोली लगाने एवं अपने पसंद के किसी भी खरीदार को स्वतंत्र रूप से कोयला बेचने के लिए सक्षम बनाएगा। इससे कोयला बाजार में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी और कोयले के आयात को घटाया जा सकेगा। गौरतलब है कि भारत कोयला भंडार के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शुमार है, लेकिन इसके बावजूद 2019 में 235 मिलियन टन कोयले का आयात करना पड़ा। इससे पता चलता है कि कोयला के विशाल भंडार के बावजूद भारत उसका उपयुक्त दोहन नहीं कर पा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कोयला के क्षेत्र में स्पर्धा की बेहद कमी है। कुल कोयला उत्पादन का लगभग 84% उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा करना इसी का एक पहलू है।
ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से कोयला बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे बाजार ग्राहक अनुकूल बनेगा। कोयला खनन के क्षेत्र में इस कदम से भारत को अपने खनिज भंडार का न केवल दोहन करने में सहायता मिलेगी, बल्कि बहुत सी वैश्विक कंपनियां अपनी नई प्रौद्योगिकी के साथ भारत में अपना कारोबार स्थापित कर सकेंगी। साथ ही इस अध्यादेश से वाणिज्यिक प्रयोग हेतु कोयला खानों की नीलामी के नियम आसान करने में सहायता मिलेगी। इससे भारत को वैश्विक खननकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उन्नत उपकरणों या तकनीक तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस कदम के साथ ही सरकार कोयले के वाणिज्यिक खनन में अधिक भागीदारी का लक्ष्य भी निर्धारित कर सकती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1000 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे इतर खनन बाजार में विदेशी कंपनियों के आने से बड़े निवेश की उम्मीद है, जिससे संकट वाले क्षेत्रों में रोजगार पैदा होगा और मांगों में तेजी आएगी। खनन उपकरण और भारी वाणिज्यिक वाहनों जैसी महत्वपूर्ण मांगों में इजाफा होगा। यदि बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश करने का फैसला लेती हैं, तो देश की भूमिगत खानों के लिए बेहतर खनन प्रौद्योगिकी का लाभ भारत को मिल सकेगा। हालांकि ऐसा होने के लिए सरकार को और अधिक कोशिश करने की आवश्यकता है। मसलन खनन लीज को मंजूरी देने में समय की ज्यादा बर्बादी ना हो और मंजूरी प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाए। लेकिन सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र को इस तरह खोल देने से कोल इंडिया के हितों को भी झटका लगने वाला है, साथ ही कोयले की कालाबाजारी की भी आशंका जताई जा रही है। फिर सवाल है कि आगे की राह क्या हो। दरअसल कोयला सेक्टर भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देश में ऊर्जा जरूरतों की लगभग 70-80% मांग इसी से पूरी होती है। हालांकि हालिया सालों में GDP, विदेशी निवेश और रोजगार में इस क्षेत्र ने कम योगदान दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह क्षेत्र अपनी अत्यधिक क्षमता के सापेक्ष ज़्यादा विकसित है। यही कारण है कि इसकी पूर्ण क्षमता का एहसास कराने के लिए भारत सरकार ने इस क्षेत्र में सुधार एजेंडा लागू करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें भी कई चुनौतियाँ हैं। हालांकि हर तरह की कंपनियों के लिए इस बाजार को खोल देने से कोयले की गुणवत्ता में सुधार और आयात में कमी की उम्मीद की जानी चाहिए, लेकिन इसमें डर है कि यह कारोबार कुछ निजी हाथों की कठपुतली बनकर न रह जाए। लिहाजा सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये निजी कंपनियां कोई मनमानी न करें और बड़ी औद्योगिक कंपनियों के पक्ष में झुकाव वाली स्थिति पैदा न हो, अन्यथा कोयला खनन और नई नीति का फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरी ओर इस क्षेत्र को लेकर हालिया संशोधन भले भी इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे, पर कोल इंडिया लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनी की चिंताओं को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को यह चाहिए कि वह इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों को भरोसा दिलाए कि इस कदम से उनके भविष्य पर कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, जिसमें खनन वाली जमीन को हरा भरा रखने की बात कही गई है। केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि खनन का काम खत्म होने के बाद लीज होल्डर उस जमीन को सही हालात में वापस करे, ताकि उस जमीन को पर्यावरण के नजरिए से हरा भरा और पशुओं के लिए चारा उगाने लायक बनाया जा सके। आइए नोट करते हैं आज का सवाल। खनिज कानून संशोधन अध्यादेश 2020 के उद्देश्य क्या हैं? क्या कोयला क्षेत्र के अलावा दूसरी कंपनियों के लिए कोयला खनन क्षेत्र को खोल देने से इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित हो सकेगा? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।